तो कैसे हैं आप लोग? ऑब्वियसली बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का वेट आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हो। और मैं बोल सकता हूँ कि बहुत से लोग इस सब्जेक्ट का वेट कर रहे हैं। क्यों? फर्स्ट, एक तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो। मान लो हम इमेजिन करते हैं कि चलो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते आपका मूड बदला। पहली बात तो मूड बदलना चाहिए ही। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो हमें बिल्कुल फोकस होके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। होता है ना कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बीच में छोड़ देते हैं, तो बीच में पहली बात तो छोड़नी नहीं है, बट फिर भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अगर आपको लगता है कि अब मैं और गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा और कहीं ना कहीं मुझे अब साइड की जॉब देखनी पड़ेगी, तो अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे किसी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी कंपनी में, मैं छोटी कंपनी की बात करूं या मल्टीनेशनल कंपनी की बात करूं, तो मैंने आपको बताया था सिविल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में वो आपसे 100% पूछेगा। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो आपसे कुछ सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमेशा पूछता है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होता है? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये सब्जेक्ट वो आपसे बिल्कुल पूछ सकता है। गवर्नमेंट की तो इंपॉर्टेंट है ही सही। अगर मैं बात करूं SSCJ की, तो आजकल SSCJ में बहुत ज्यादा आने लग चुका है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, सेकंड मैंने आपसे बोला था सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग तो यार कोई भी आप प्रोजेक्ट में जाओगे, कुछ भी आप काम करोगे, तो 100% उसका एस्टिमेशन तो बनेगा बनेगा, कितना मेरा काम होना है, कितना मेरा पैसा लगेगा, तो उसका एक एस्टिमेट तो बनेगा ही बनेगा। कोई भी प्रोजेक्ट बिना, कोई भी काम आप बिना एस्टिमेट के नहीं कर सकते। तो कोई भी अगर एक कंपनी होगी, आपकी एक फर्म होगी, चलो मैं इमेजिन करता हूँ एक बड़ी कंपनी में आप नहीं गए, आप तो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, आप तो एक बड़े से कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स की भी क्लास होती है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। आप ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, आपने बोला साहब मुझे तो काम चाहिए, तो बोलेगा भाई तेरे को मैं काम दे दूंगा, मैं काम देने के लिए तेरे को मना नहीं कर रहा, बट कल को मैं अगर तुझसे कोई काम करवाऊंगा, किसी जगह काम करने के लिए भेजूंगा कि जाके देख वहां पर कितना काम हो रहा है, तो क्या तुम वहां का एस्टिमेट बना सकता है? एस्टिमेट फील्ड पर, जब आप साइट पर काम करने आते हो तो एस्टिमेट काम आता है। किसने बोला आपका एस्टिमेट काम नहीं आता है? सेकंड, सॉइल मैकेनिक्स। अब मैंने सॉइल मैकेनिक्स क्यों लिखा? अगर आप देखो, मैं आपको स्पेशली बताता हूं, अगर आप मान लो, मैं दो ही चीजों की बात करूं, एक मैं बात करता हूं ऐसे डिपार्टमेंट की जो रोड का कंस्ट्रक्शन करता है, या ऐसे डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता है, या ऐसे डिपार्टमेंट की जो ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, मैंने तीन नॉर्मल सी चीजें ली थी, तीनों हमारा सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। मैंने बोला एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी कंपनी है जो रोड कंस्ट्रक्ट करती है, तो रोड किस पर कंस्ट्रक्ट करोगे यार? हाँ, आजकल कुछ रोड्स एलिवेटेड भी होती है, बट हम भी आजकल अगर 95% रोड्स की भी बात करूं इंडिया में, तो रोड्स क्या होगा? ग्राउंड पे होगा, एट ग्रेड। जो रोड आपकी ग्राउंड पे होगी हम क्या बोलते हैं उसको? एट ग्रेड। ठीक है, तो जो रोड आपकी ग्राउंड पर बन रही है उसके नीचे क्या है? सॉइल ही तो है। तो बिल्कुल अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग भी आपकी जो कंस्ट्रक्ट होगी, बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होगी किस में होगी? उस जमीन के अंदर ही तो होगी। तो उस जमीन की प्रॉपर्टीज ही अगर आपको पता नहीं होगी तो फिर यार आप कैसे वहां पर कंस्ट्रक्शन कराओगे? बिल्कुल पता होना चाहिए ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है जगह पर, और कल को उस बिल्डिंग में कॉम्पेक्शन हो गया, क्या हो गया? उस बिल्डिंग में कॉम्पेक्शन हो गया, तो दैट मींस ऐसा नहीं होता ना कि भाई बिल्डिंग में कॉम्पेक्शन हो रहा है तो होने दो, या सेटलमेंट हो रहा है तो होने दो, है ना? कॉम्पेक्शन से क्या होता है? सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है? मिट्टी का बैठ जाना। तो इसलिए हम उस जगह की मिट्टी की डेंसिटी पता करते हैं कि भाई इस जगह मिट्टी की जो डेंसिटी है क्या वो कॉलेप्स तो नहीं होगी, जितना लोड हम बिल्डिंग का लगाएंगे उस कारण मिट्टी कॉलेप्स तो नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइट इन्वेस्टिगेशन। साइट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये नॉर्मल टर्म है, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि अगर आप चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, देखो गवर्नमेंट जॉब में तो सब सब्जेक्ट, अभी मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये मैं वो सब्जेक्ट बता रहा हूं जो गवर्नमेंट जॉब के तो इंपॉर्टेंट है ही सही, प्लस अगर आप कभी ना कभी किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, प्लस प्राइवेट कंपनीज, तो वो बिल्कुल एज अ फ्रेशर, मैं जो बात कर रहा हूं आपसे एज अ फ्रेशर, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है कंपनी में, कंपनी में तो सर जिस जहां पर मैंने पहले काम करा था कंपनी तो उसके लिए पूछती है। भैया मैं फ्रेशर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, आज भी ये मैं सोच रहा
कि फ्रेशर्स के लिए जॉब है नहीं। अरे मैं तो मानता हूँ 500 जॉब है इंडिया में फ्रेशर्स के लिए, 500 तो मानते हो, 500 जॉब्स तो होगी। तो अगर आप फ्रेशर हो तो वो आपसे, मान लो आप रेलवे कंस्ट्रक्शन में गए, है ना, आप रेलवे कंस्ट्रक्शन में गए, तो रेलवे कंस्ट्रक्शन में वो इन सबसे पूछ सकता है क्या रेलवे का जो ट्रैक होता है, रेलवे का ट्रैक जमीन पर नहीं बनता है, रेलवे का ट्रैक जमीन पर नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। इसलिए वो आपसे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पूछ लेगा, सॉइल मैकेनिक्स उसको एग्रीगेट्स के बारे में बताएगी, उसको सॉइल के बारे में बताएगी, बहुत डिटेल सॉइल मैकेनिक्स आपको दे सकती है, सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगी। अरे ट्रैक जो होगा वो जमीन पर ही तो बनाओगे, आसमान में तो बनाओगे नहीं, तो आपको सॉइल की इंफॉर्मेशन या सॉइल की नॉलेज आपको आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट जो बता रहा हूँ, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, अब देखना थर्ड सब्जेक्ट, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आरसीसी की भी होनी चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर मैं नाम लूंगा तो एस्टिमेट हो गया, सेकंड सब्जेक्ट जो मैं नाम लिया मैंने आपके पास वो सॉइल मैकेनिक्स हो गया, थर्ड सब्जेक्ट जो मैंने आपसे बोला वो आरसीसी हो गया, आरसीसी। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको, देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ यार, हम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कभी ना कभी अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो कभी ना कभी तो आपके पास ऐसा मौका जरूर आएगा कि आप बीम को डिजाइन कर लोगे। मैं आपको बताता हूँ, अगर यार उसको एक कमरा बनाना है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, उसको एक आपका ऑफिस है, आप एक चीज इमेजिन करना, आपका एक ऑफिस है, आपके ऑफिस में आपने सोचा कि यार ऑफिस में सारे रूम्स थोड़े, आपके पास जमीन है अच्छी खासी, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद मतलब फील करा है। ठीक है, मान लो आप एक ऑफिस में रहते हो, ठीक है, अब आप जेई हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो, या तो जेई होंगे या असिस्टेंट इंजीनियर होंगे, ठीक है, तो यार ऑफिस का जो आपका सीनियर होगा बोलेगा एक काम करो यार, एक छोटा सा स्टोर रूम और बना लो, एक काम करो छोटा सा स्टोर रूम और बना लो, सिंपल सी बात है। तो छोटे से स्टोर रूम में आपने क्या करा, छोटे से स्टोर रूम में आपने सिंपल सी बात है भाई देख लिया ऐसा ऐसा छोटा सा रूम के डायमेंशन है, इतना मैं स्लैब दूंगा या जो भी दूंगा, तो यार वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन। अब आप छोटा सा रूम भी बनाओगे तो आपको, मान लो आप उसमें शेड दे रहे हो, शेड दे रहे हो तो आपको आई सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी डिजाइन ऑफ सील स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो मैं इस बारे में ज्यादा आपको बोलूंगा नहीं, बट आप स्लैब तो दे सकते हो, तो स्लैब के अकॉर्डिंग कितनी बीम रहेगी, कितना आपको स्लैब का डायमेंशन रखना है, कितना आपको कॉलम्स, तो सिंपल से कहने का मतलब है आरसीसी की डीप नॉलेज आपको नहीं, मैं बोलता कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज रखो, बट सिंपल सी बात है हम बीम कॉलम स्लैब एंड फुटिंग, जब भी आप सिविल इंजीनियर बन चुके हो या बन रहे हो या बन जाओगे जल्दी, तो यार ये बीम कॉलम स्लैब फुटिंग इन चार की नॉलेज आप हमेशा रखना किसी भी कंपनी में जाओ तो। वो आपसे कभी भी पूछ लेंगे चार के बारे में कि भैया किस तरीके से आप बीम को डिजाइन करोगे, क्योंकि यार पहली बात ये बीम कॉलम स्लैब फुटिंग कोई रिसर्च नहीं है। अगर आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो या गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि वो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बीम के बारे में पूछ ले, कॉलम के बारे में पूछ ले, इतना हक तो वो रखता है, वो आपको जॉब दे रहा है। और यह बेसिक सी चीज है, तो आरसीसी। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट वन जो आज हम सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं, फोर्थ, ये है मेरा आज सब्जेक्ट का हेडिंग जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, तो मैंने आपसे बोला और ऐसा नहीं है कि आज मैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा हूं तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, नहीं, शुरुआत से लेके जब से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट करा है, फर्स्ट डे से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सब्जेक्ट कोई आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पूछने वाला, बता पानी की प्रॉपर्टी क्या है, बता टूथपेस्ट किस टाइप ऑफ फ्लूइड बना रहा है, किसे इंटरव्यू में नहीं पूछने वाला। हाँ, अगर आप IES एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू दे रहे हो तो उसका पूरा पूरा हक है, जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। बट मैं अगर बोलता हूं, देखो आज मैंने, देखो पहली बात तो ये, मैंने आपके सामने वो सब्जेक्ट्स रखे हैं जो अगर आप प्राइवेट कंपनी में भी एज अ फ्रेशर आते हो, अगर प्राइवेट कंपनी में भी आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो कि आज मैं इंटरव्यू दूंगा, तो ये चार सब्जेक्ट वो आपसे बिल्कुल पूछ लेगा। कौन कौन सा, एस्टिमेट पूछ लेगा, सॉइल मैकेनिक्स पूछ लेगा, ठीक है, आपसे आरसीसी पूछ लेगा और आपसे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पूछ लेगा। क्यों यार, क्यों नहीं पूछेगा? अरे मान लो आप किसी बिल्डिंग की कंपनी में लगे, अगर आप किसी बिल्डिंग में कंपनी में लगे तो एक बिल्डिंग में क्या होता है, मैं तो इस चीज की बात लेता हूं, ये क्या है पेंट है, ये क्या है, पेंट है या नहीं है? हाँ सर पेंट तो है। तो पेंट किसका पार्ट है? आप बोलोगे सर पेंट है, डिस्टेंपर है, ये तो पेंट नहीं है, डिस्टेंपर है या पेंट है या वार्निशेस है, ये किसका पार्ट है?
सर तो बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट लग रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जा रहे हो तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पता नहीं होगा, जैसे सीमेंट ले लो, सबसे बेसिक चीज बोलता हूँ, सीमेंट ले लो, कॉन्क्रीट ले लो, आप क्या उम्मीद रखते हो कि आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप सिविल इंजीनियर की जॉब कर रहे हो और आपको सीमेंट और कॉन्क्रीट के बारे में भी नहीं पता, तो आप अपने आप को दिल से सिविल इंजीनियर बोल लोगे? बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। और सबसे बेसिक चीज मैं आपको आज बताऊंगा जो आगे सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, ये तो सब्जेक्ट, और अब जो मैं आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं उस सब्जेक्ट का नाम है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। हम आज अपना ये वाला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। आज हम अपना ये सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आएगा आपको पढ़ के। अभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। मैंने लिखा बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, और इस सब्जेक्ट को कुछ लोग बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। तो आपके सिलेबस में जो इस सब्जेक्ट का नाम होगा या तो वो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन होगा या बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी होगा। सिंपल सी बात है। अब सिंपल सी बात है, क्यों पढ़ रहे हैं? ये वो सब्जेक्ट है जो आप बिल्कुल भरोसा रखो मुझ पे, ये आपसे सब्जेक्ट प्राइवेट जॉब में भी पूछा जा सकता है, ये सब्जेक्ट आपसे गवर्नमेंट जॉब में भी पूछा जा सकता है। क्यों नहीं पूछा सकता? अरे यार इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में जानोगे? ये सेकंड वर्ड क्या लिखा मैंने यहां पर, ये सेकंड वर्ड क्या लिखा मैंने यहां पर, ये सेकंड वर्ड क्या लिखा मैंने, मटेरियल्स। ये मटेरियल्स क्या है? ये इंजीनियरिंग के मटेरियल्स है। किसके मटेरियल्स है? इंजीनियरिंग के मटेरियल्स है। सीमेंट हो गया, पत्थर हो गया, चूना हो गया, मोर्टार हो गया, या फिर आपका एग्रीगेट्स हो गया, ठीक है, जो भी ये मटेरियल्स हैं, क्या इन मटेरियल्स के बारे में आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि यार अगर मेरा एग्रीगेट बनता है तो मैं कितने एमएम का एग्रीगेट यूज करूं? और सबसे पहली बात, एग्रीगेट होता क्या है, एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? दैट मीन्स इस सब्जेक्ट में जितने भी हमारे इंजीनियरिंग, दैट मीन्स किसी कंस्ट्रक्शन में मटेरियल्स यूज होते हैं, उन सारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। अब अगर आप बोलोगे सर कंक्रीट तो हम आरसीसी में पढ़ते हैं, नहीं, आरसीसी में जो आप कंक्रीट पढ़ते हो, आरसीसी में जो आप कंक्रीट पढ़ते हो वो बेसिकली आप इसलिए पढ़ते हो स्ट्रेंथ के लिए। अगर स्ट्रेंथ वर्ड समझ में आया, नहीं आया सर समझ में, तो सिंपल सी बात है, आरसीसी में जो हम कंक्रीट पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, क्या पढ़ते हैं भाई, कितना फोर्स को वो सहन कर लेगा, खत्म कर ली। सिंपल सी बात है, आरसीसी में जो हम कंक्रीट को पढ़ते हैं, हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि यार सिंपल सी बात है, अगर इस पर कोई कंप्रेसिव फोर्स लगा या कोई भी टेंसाइल फोर्स लगा तो क्या ये सहन कर पाएगा, क्या ये बियर कर पाएगा, या फिर आपका नहीं कर पाएगा। तो हम कंक्रीट की जो डिटेल्स होती हैं वो आरसीसी में मेनली डिजाइनिंग में पढ़ते हैं कि यार इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या है, इसकी फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ क्या है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। मैंने क्या बोला, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता क्या है, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम लोड किसी भी चीज पर लगाओ और वो मैक्सिमम जो लोड सहन कर सकता है विदाउट एनी फेलियर। मान लो मेरे ऊपर आपने 50 किलो रख दिया और मैं मैक्सिमम 50 किलो ही उठा सकता हूं, मैंने एक बैग टांगा जिसमें 50 केजी है और उस 50 केजी को ही मैं उठा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं उठा सकता। अब 50 केजी मैंने उठा लिया और मेरी बॉडी को कोई भी डैमेज नहीं हुआ, तो ये क्या होगी, मेरी स्ट्रेंथ। दैट मींस मैक्सिमम लोड जो एक मेंबर अपने ऊपर सहन कर सकता है विदाउट एनी फेलियर। स्ट्रेंथ में हमेशा लोड होगा मैक्सिमम और फेलियर कभी भी स्ट्रक्चर का नहीं होगा, ये स्पेशली आप ध्यान रखना। तो आरसीसी के कंक्रीट में जो हम पढ़ते हैं, या कंक्रीट जो पढ़ते हैं आरसीसी में, वो मेनली प्राइमरीली जो फोकस जो होता है वो स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। बट क्या कंक्रीट की यही प्रॉपर्टी है कि बस स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ पढ़ो? अरे अगर उसको अच्छे से बनाओगे, अगर कंक्रीट को अच्छे से बनाओगे तभी तो उसकी अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, क्या एग्रीगेट, कैसे एग्रीगेट, कितने टफ एग्रीगेट, कितने हार्ड एग्रीगेट, समझो मेरी बात,
टफनेस होती है, हार्डनेस होती है, और भी प्रॉपर्टीज है, कितना एग्रीगेट पानी अब्सॉर्ब कर रहा है, एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, ये सब चीजें जो हम पढ़ेंगे ये हम आरसीसी में नहीं पढ़ते हैं। हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को आरसीसी में पढ़ लेते हैं, बट कंक्रीट की जो दूसरी प्रॉपर्टीज है जिस कारण कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ देता है, आप समझ रहे हो मेरी बात, कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ देगा, वो हम किसे पढ़ेंगे, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं, ये मेजर तीन एग्जाम्स की मैं हमेशा बात करता हूं, कौन कौन से की, एसएससी जेईई गेट की, एंड थर्ड वन इज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसको इंजीनियरिंग सर्विसेज भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। आईपीएस नाम तो इसका पड़ गया है, आईपीएस नाम तो बना दिया गया है, एक्चुअली आईपीएस की तो फुल फंक्शन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होती है, हम इसको मेनली नाम जानते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज ईएस, जो ऑथराइज्ड है नाम आईपीएस की है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज है। आईपीएस आप देखना, कभी भी जो नोटिफिकेशन निकलता है एग्जाम का जॉब का, वो कभी भी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से निकलेगा ही नहीं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज तो नाम बना दिया गया है, क्यों, आईएएस आईपीएस है ना, तो आईपीएस आईएएस जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं होती है। और आप जो बोलते हो आईए तो पड़ गया नाम, बस होता है ना कि बोलते बोलते किसी का नाम पड़ गया, मेनली जो उसका नाम वो इंजीनियरिंग सर्विसेज ही है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अगर किसी सब्जेक्ट को उसके एग्जाम्स के कितनी, अब देखो जो मैं आपको बता रहा था प्राइवेट गवर्नमेंट वो सब खत्म, अब मेरा मेन फोकस होगा ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब, मैं यहां पर हूं आपको गवर्नमेंट जॉब को, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाने के लिए, है ना। प्राइवेट जॉब में भी आपको सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस मिलेगी, इसकी नॉलेज आपसे पूछी जाएगी प्राइवेट जॉब में भी, स्पेशली अगर आप बोलोगे सर चार में से दो सब्जेक्ट बताओ, आप मुझसे बोलोगे सर चार में से दो सब्जेक्ट बता दो, हम तो नहीं पढ़ रहे चार, आपको हमको दो बता दो, तो दो बोलूंगा एस्टीमेट एस्टिमेशन एंड बीएमसी। अगर आप बोलोगे सर हाँ बस मुझे दो सब्जेक्ट बताओ, मैं एक प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहा हूं एज अ फ्रेशर, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको ये पता है कि यार मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूं, अगर आपको ये पता है कि मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूं और वो रोड की कंपनी है, वो किसी कंपनी है, रोड कंस्ट्रक्ट करती है, क्या कंस्ट्रक्ट करती है, किस चीज को कंस्ट्रक्ट करती है, रोड को, तो आप इनके साथ ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड कर दो, आप इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड कर दोगे, बिल्कुल ऐड कर दोगे, सिंपल सी बात है, है ना। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हो जो टोटली बिल्डिंग्स बनाती है, तो आप इस सब्जेक्ट के साथ आरसीसी को ऐड कर दोगे। आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो, आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहां पर स्टील का फैब्रिकेशन होता है, और स्टील का फैब्रिकेशन का मतलब क्या था, जहां पर अलग अलग मेंबर बनाए जाते हैं, जहां पर अलग अलग मेंबर बनाए जाते हैं, क्यों, अगर मान लो आप रेलवे में भी हो तो आपने देखा नहीं, रेलवे में जब नदी होती है तो स्टील ब्रिज बना हुआ होता है, आपने देखा होगा जब आप नदी के ऊपर से ट्रेन निकलते तो धरम 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 ऐसी आवाज आती है, क्यों, क्योंकि वो स्टील ब्रिज होता है ना। तो अगर आपकी कंपनी उस स्टील ब्रिज को फैब्रिकेट करती है, फैब्रिकेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग मेंबर्स बनाना, होता क्या है फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है यार, होता क्या है, स्टील की प्लेट्स मिलती है, आप समझ रहे हो मेरी बात, आपने आई गर्डर देखा होगा, आपने यू गर्डर देखा होगा स्टील का, आपने ट्रस देखा होगा, ये बनाने भी तो पड़ते हैं भाइयों, ये बने बना थोड़ी आते हैं, अगर कोई भी कंपनी को कंस्ट्रक्ट करती है तो उनको स्टील की प्लेट्स मिलती है, ले लो 8 mm 10 mm 3 mm, आप समझ रहे हो मेरी बात, फिर वो उसको फैब्रिकेट करते हैं, उसको काटते हैं, उसको शेप देते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, कितने लोड के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, आप समझ रहे हो मेरी बात सारी। तो अगर आप ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहां पर स्टील फैब्रिकेशन होता है, तो आपको थोड़ा बहुत डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स भी पढ़ना पड़ेगा, आपकी कंपनी बेस्ड ही स्टील स्ट्रक्चर्स पे, और आप स्टील स्ट्रक्चर के आरसीसी पढ़ के चल जाओगे तो आपको थोड़ा स्मार्ट भी चलना पड़ता है ना। तो इस चीजों को तो खत्म करते हैं, बहुत होगी जॉब की बात है, अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं अपने जो मेन सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो तीन चीजें हमारे सामने, एक आया एसएससी जेईई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, सेकेंड आया गेट, एंड थर्ड आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। सबसे पहली बात, गेट एग्जाम में बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन नहीं आता, गेट एग्जाम में बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन नहीं आता, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि गेट एग्जाम में बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन नहीं आता, तो गेट तो हो गया गायब, ठीक है जी।
गेट में बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का सिलेबस नहीं है, ठीक है, उसके सिलेबस में बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब बात होती है एसएससी जे की और आईईएस की। अब आपको चीज बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना, दो हजार दस तक अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं ईयर 2010 तक बात करूं, उसके पहले से लेकर 2010 तक, अप टू 2010, 2010 तक क्या हुआ, एसएससी जेई आपका ऑब्जेक्टिव में आया, इसको मिटा देता हूं यहां से, एसएससी जेई आपका ऑब्जेक्टिव में आया 12 नंबर से लेके 22 नंबर तक, ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, 12 नंबर से लेके 22 नंबर तक, 12 नंबर से लेके 22, 2010 तक की कहानी बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव की। और कन्वेंशनल जो आपका पेपर होता है, कन्वेंशनल जो आपका पेपर होता है उसमें ये आया आपका 40 मार्क्स से लेके 60 मार्क्स तक। भाई आपको पता है आपके एसएससी जेई में आपको 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, उस 300 मार्क्स में आपको क्या करना पड़ता है भाई, 60-60 नंबर के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 300 मार्क्स बन जाते हैं, तो 40 से 60 मार्क्स का, ठीक है, ये तो खत्म कर रहा हूं। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, 2000 से लेके टिल येट, अभी तक, आज के दिन तक, ठीक है, 2000 से लेके टिल येट, आज के दिन तक, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, पहली बार एसएससी जेई का आपको पैटर्न पता होगा, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन आपको पता है, इसके ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन, 100 टेक्निकल, 50 रीजनिंग एंड 50 जीके जीएस, भाई 100 क्वेश्चन तो आपके इंजीनियरिंग फील्ड का आएंगे, बाकी ये आपको पढ़ना पड़ता है रीजनिंग और जीके जीएस जो भी आपका, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, तो अभी हम बस 100 क्वेश्चन, जो 100 टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे ना उसके बात कर रहा हूं, जीके जीएस आप अपने आप देख लो जो है, ठीक है। तो ये जो 100 टेक्निकल क्वेश्चन है 2010 से लेके, मैं अब की बात कर रहा हूं 2010 से लेके अब तक की, ये क्राइटेरिया आपको पहुंच चुका है 20 मार्क्स से लेके 32 मार्क्स, बीच में एक एग्जाम आता है इसमें 12 से 13 क्वेश्चन आए थे, वो मैं नहीं ले रहा हूं इसमें, 2010 से लेके अभी तक एक बार एक ऐसा पेपर आता है 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब में 20 से 32 मार्क्स पहुंच चुका है आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, आज तक का ये हाईएस्ट है एसएससी जेई में, सिंगल सब्जेक्ट 100 में से 32 क्वेश्चन बीएमसी के, आज तक ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर एनी सब्जेक्ट इन एससी जे किसका है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के अलावा ये वाला रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है। आप ये मत सोचना कि किसी और सब्जेक्ट के इतने हाईएस्ट क्वेश्चन आए, ये नंबर वन सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, आप समझो मेरी बात। अब ध्यान से देखो यार, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन चाहे तो 100 में से आपके 30 से 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 30% तो ये अकेला कवर कर गया आउट ऑफ 100%। आपके 11 से 12 सब्जेक्ट होते हैं एसएससी जेई में, उन 11 से 12 सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट खींच के ले गया, इन 11 से आप समझ लो एसएससी जेई के लिए आपके 11 मेनली 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन 11 सब, क्योंकि आप दो सब्जेक्ट में डिवाइड कर लेते हो तो सब्जेक्ट को वो एक ही होता है, ठीक है, जैसे आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स को अलग कर लिया तो वो दो सब्जेक्ट हो गए, बाकी वो एक सब्जेक्ट में कंबाइन होकर आता है, ठीक है। तो 11 सब्जेक्ट्स में से इकलौता बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन आपके 30% कवर कर सकता है। मैंने आपसे क्या बोला, बस 20 में एक साल से आता है, इसमें 12 क्वेश्चन आते हैं, अरे तो 12 क्वेश्चन भी कम होते हैं क्या? अगर मैं बोलूं कि 12 क्वेश्चन आए थे 2010 के बाद से लेके अभी तक 12 क्वेश्चन आए थे तो 12 क्वेश्चन भी कम होते हैं क्या? 12 क्वेश्चन तो पेपर हिला के रख देगा, आप 12 क्वेश्चन छोड़ के दिखा दो, ठीक है, पहली बात तो कहानी होगी। दूसरी बात, तो ये ऊपर वाला तो किसी काम का नहीं, 2010 से लेके 2010 से बाद की हमारा काम है। अब कन्वेंशनल में ध्यान से देखना, कन्वेंशनल ये तो है फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें जो 100 मार्क्स टेक्निकल आएंगे उस 100 में से ओनली बीएमसी 20 मार्क्स से लेके 32 मार्क्स तक का अकेला आ सकता है। कितना दम रखता है ये सब्जेक्ट, अभी मैं और कहानी बताऊंगा आपको। अब पहले कन्वेंशनल की बात कर लेता हूं, अगर मैं कन्वेंशनल की बात करूं तो वही 40 मार्क्स से लेके 60 मार्क्स, कन्वेंशनल में मैंने आपसे क्या बोला,
कन्वेंशनल में आप 60-60 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं, आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 300 मार्क्स बन जाएंगे आपको, ठीक है। कन्वेंशनल में आपका मान लो मैंने आपसे बोला कि एक क्वेश्चन मैक्सिमम कितने का होता है, 60 मार्क्स का होता है, तो 60 मार्क्स एक क्वेश्चन ये लेके चल जाएगा भाई, आप समझो मेरी बात, एक क्वेश्चन ही आपके 60 मार्क्स लेके, एक सब्जेक्ट ही आपके 60 मार्क्स लेके आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो अगर उसने 60 मार्क का क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया, उसने 4 पार्ट दिए, तो 3 पार्ट बीएमसी के दे देगा, 20 10 15 15 करके ऐसे करके 40 मार्क्स का बीएमसी दे देगा, एक एस्टिमेशन का डाल देगा। ध्यान से सुनना मैंने आपसे क्या बोला, मान लो एक क्वेश्चन है 60 मार्क्स का, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 या तो चारों आपको बीएमसी के दे देगा, पूरा 60 मार्क्स बना लेगा, या फिर इन चारों में से 3 पार्ट तो बीएमसी कर देगा और इस 3 पार्ट जो बीएमसी है इनके साथ एक पार्ट वो एस्टिमेशन का डाल देगा। तो देखो 3 भी 40 के तो हो गए और एक एस्टिमेशन का डाल देगा 20 मार्क्स का, वही सीमेंट की क्वांटिटी वांटिटी आपसे फाइंड करवाएगा, ज्यादा कुछ फाइंड करवाएगा, ठीक है। तो आपके साफ साफ दिख रहा है यार, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि बीएमसी कितना इंपॉर्टेंट है। अब कहानी आती है, तो सर ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, नहीं नहीं है। आप लास्ट ईयर का बीएमसी का पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन किसी बुक से आए नहीं है। आप मुझे एक बुक बता दो, आप मुझे एक बुक बता दो कि सर बीएमसी इस बुक से आया है, आप मुझे बस एक बुक बता दो कि सर बीएमसी इस बुक से आया था, मैं आपका फैन हो जाऊंगा, दीवाना हो जाऊंगा आपका। बीएमसी आप मुझे एक ऑब्जेक्टिव किताब बता दो कि जिससे बीएमसी पूरा बैठा हो, आप लास्ट ईयर का पेपर उठाओ, आप समझ रहे हो मेरी बात, समझने की कोशिश करना, आप समझने की कोशिश कर नहीं रहे हो, मैं आपको समझाने की कोशिश करके आ रहा हूं। बीएमसी अब ऑब्जेक्टिव किताबों में से नहीं आता है, बीएमसी अब ऑब्जेक्टिव किताबों में से नहीं आता है। 32 मान लो किसी शिफ्ट में 32 क्वेश्चन आए बीएमसी के, तो 10 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव किताब में से मिल जाएंगे। ये भी मैं सोचना कि ऑब्जेक्टिव किताबों में से सर क्या एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर 32, चलो मैं 32 छोड़ो, मैं इमेजिन करता हूं कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन आए बीएमसी के, 25 क्वेश्चन आपके आए एसएससी जेईई में, 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत है, बहुत हेवी वेटेड सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। इस 25 में से आप 10 से लेके 15 क्वेश्चन भी चलो मैंने मान लिए, 15 तो ज्यादा हो जाते हैं, 12 करो, 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव बुक्स को रट रट के बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, मैं मानता हूं इस चीज को, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप, और एक ऑब्जेक्टिव किताब रटने से कुछ नहीं होगा, अरे हमने तो एक रट ली थी उससे एक से नहीं होगा, एक तो भूल जाना कि एक किताब से कभी सिलेक्शन होता है, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं कि एक स्टूडेंट को बहुत सारी किताबें खरीदनी पड़ती है, आप समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी किताबें आपको खरीदनी पड़ती है, बट क्या करें, मजबूरी है ना आदमी। देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है शौक, एक होता है मजबूरी। आपने बहुत सारी ऑब्जेक्टिव किताबें अगर आपने खरीदी अपनी तैयारी के लिए, तो वो आपको शौक नहीं कि अरे यार मैं तो अलग अलग बुक से पढ़ूंगा, वो आपकी मजबूरी है। जैसे अगर मुझे अमेरिका जाना है ना, अगर मुझे अमेरिका जाना है तो मेरे लिए क्या है, मैं फ्लाइट लूंगा, मैं क्या लूंगा फ्लाइट, तो उस फ्लाइट के टिकट को आप महंगा नहीं बोल सकते हो। अगर आपको अमेरिका जाना है तो उस फ्लाइट के टिकट को आप महंगा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप बोलोगे यार ट्रेन सस्ती होती है फ्लाइट महंगी होती है, नहीं ट्रेन नहीं जाती ना अमेरिका, ट्रेन नहीं जाती ना अमेरिका, तो ट्रेन को रखो साइड में, ऑप्शन क्या बचा फ्लाइट, तो उसको फिर महंगा मत बोलो। जब आपके पास ऑप्शन ही एक होता है तो उसमें हम महंगा सस्ता कभी नहीं बोलते, आप हमेशा बोलते हो यार फ्लाइट महंगी होती है। हाँ अगर आपको इंडिया में ट्रेवल करना है, आपको डोमेस्टिक ट्रेवल करना है, यहां से गोवा जाना है, यहां से मुंबई जाना है, यहां से आपको दिल्ली जाना है, जहां पर भी जाना है, ठीक है, उस जगह आप सोच सकते हो चलो ट्रेन से जाता हूं, ट्रेन का टिकट सस्ता पड़ेगा, है ना। बट अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा फ्लाइट, है ना। अब शिप विप जाता है, मुझे नहीं पता शिप के बारे में, शिप कोई ऑप्शन अच्छा नहीं है ना, अगर मान लो शिप जाता भी होगा तो बहुत टाइम लगा देता होगा, तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा फ्लाइट। तो उस फ्लाइट को कभी आपको महंगा नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि आप फ्लाइट को महंगा भी बोलते हो, आप ट्रेन से कंपेयर करते हो फ्लाइट को, अरे ट्रेन जाती है क्या अमेरिका, नहीं जाती है ना। उसी तरीके से जब आप एक तैयारी करते हो ना यार, तो आपने अगर नंबर ऑफ बुक्स खरीदी है तो उसको गलत मत मानो, क्योंकि हर एक किताब में कुछ ना कुछ अलग मिलता है। मैं क्यों बुक्स के लिए फेवर करता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हर एक किताब में कुछ ना कुछ अलग मिलता है, कोई किताब एक दूसरे को कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकती है कि इसने इसको कॉपी करा, इसने इसको कॉपी करा, वो लोग कुछ ना कुछ तो अलग उसमें मिलता ही है बुक्स में, इसलिए आपको नंबर ऑफ बुक्स खरीदनी पड़ती है, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है। जैसे अमेरिका फ्लाइट से आना मजबूरी था क्योंकि वहां पर ट्रेन ही चल रहा था, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी एक मजबूरी होती है, ठीक है।
सिंपल सी बात है, इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। आप अगर साइट पे रहोगे तो पढ़ना है, साइट पे नहीं रहोगे तो पढ़ना है, हर जगह आपको पढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ना है। तो मैं बात करता हूँ इसकी, आईईएस में फॉर ऑब्जेक्टिव इसका एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, 100% में से 14% से 16% आउट ऑफ 100% टेक्निकल। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि कुछ कुछ एग्जाम में 30% तक भी जा चुका है बीएमसी, है ना, 30% तक भी आ चुका है बीएमसी। बट अगर मैं आईईएस की बात करूं तो आईईएस अपना एवरेज से ही चलता है, ऑब्जेक्टिव में 14% से 15% और कन्वेंशनल में 14% से 15%, मतलब आउट ऑफ 100%, आउट ऑफ 100%। ठीक है भाई, तो दोनों एग्जाम का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। रहे रिमेनिंग स्टेट की, स्टेट में बहुत सारे असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स होते हैं, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो इनमें भी बीएमसी अच्छे खासे वेटेज का आता है। मैं किसी पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात नहीं करूंगा कि भाई इस स्टेट में ज्यादा आता है, इस स्टेट में कम आता है, हर एग्जाम में आता है। और आपको मैं बता रहा हूं लेटेस्ट एग्जाम जो अभी के करंट एग्जाम्स आ रहे हैं उन सब में बीएमसी आ रहा है, ये ध्यान रखना, करंट एग्जाम में सब में बीएमसी आ रहा है, जितने भी एग्जाम्स के पैटर्न है। क्यों और क्यों आ रहा है यार, आना चाहिए ना, क्यों आ रहा है मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्यों आ रहा है उसका रीजन बताता हूँ। आप जूनियर इंजीनियर बन के गए, हाँ गए, अरे कोई रूम बनाओगे उससे पुट्टी पेंट वार्निश डिस्टेंपर सब करोगे ना या नहीं करोगे, करोगे ना, हाँ करेंगे, तो नॉलेज होनी चाहिए ना, तभी तो करोगे। तो लोगों ने सोचा अरे सोम वोम सोम, अरे देखो मैं सोम ही पढ़ा, सोम से स्टार्ट करा हम लोगों ने, बट सोम आपसे इंटरव्यू में बहुत कम पूछी जाती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सोम इंटरव्यू में पूछे, नहीं, सोम इंटरव्यू में नहीं पूछी जाती है आपसे। जब तक आप स्ट्रक्चरल डिजाइन में नहीं जाओगे तो सोम आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगर आप ऐसी कंपनी में आ रहे हो जो स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करती है तो सोम बिल्कुल आ जाएगा, है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप एनालिसिस लिखो और उसके बाद हम चालू करते हैं अपना सिलेबस बी लिंक मटेरियल कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो ये तो आपने याद रखा, ये तो हो गया एग्जाम का एनालिसिस। देखो यार मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे मजा नहीं आता है ये बोल के कि एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सर आप तो जो चालू करते हो आप तो उसको इंपॉर्टेंट है ना, घुमा फिरा के उसी को इंपॉर्टेंट बना ही देते हो, नहीं, आप शायद उल्टा सोचते हो। मेरी थ्योरी क्या है कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा ना वो मैं पढ़ाऊंगा। आपकी थ्योरी मेरी थ्योरी आप शायद अलग हो सकती है। आप बोलोगे सर क्या है आप तो सबको इंपॉर्टेंट बना देते हो, सारे सब्जेक्ट को आपने इंपॉर्टेंट बना दिया। नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना मैं वही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, सब इंपॉर्टेंट है। इस टाइम देखो जो करंट सिनेरियो है उसमें कौन सा सब्जेक्ट किस वेटेज का आ जाए, मैं नहीं बोल सकता हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट हाँ कुछ सब्जेक्ट हमारे ब्रह्मास्त्र सब्जेक्ट होते हैं जो सिंपल सी बात है हर जगह लगते हैं, उनमें से बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्कुल होता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की, हम क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बात करूं सिलेबस की, अगर मैं सिंपल सी बात करूं आपसे सिलेबस की, तो क्या सिलेबस हम कवर करेंगे, क्या क्या सिलेबस हम कवर करेंगे, फर्स्ट जो भी हमारी यूनिट है क्या सीमेंट, कॉन्क्रीट, ये मैं आपको यूनिट्स के नाम लिख रहा हूं, आप ये मत सोचना कि ये कोई टॉपिक है ना, ये आपको मैं यूनिट्स का नाम लिख रहा हूं, ब्रिक्स एंड ब्रिक मैसनरी, ब्रिक एंड ब्रिक मैसनरी, ठीक है, फोर्थ टिम्बर। अगर मैं आपसे बोलूं तो आप लिटरली, मैं आपको चीज बोलूं आपको बीएमसी का सिलेबस पता ही नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं ना कि बीएमसी का सिलेबस आपको क्या पता है, आप बोलोगे यार मुझे सीमेंट पता है, कॉन्क्रीट पता है, ब्रिक्स पता है, टिम्बर पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लाइन एंड मोर्टार,
लाइम एंड मोर्टर, स्टोन्स एंड एग्रीगेट्स, अभी मैं आपको सब बताऊंगा, टेंशन ना लो, स्टोन एंड एग्रीगेट ठीक है, एड मिक्सचर्स, एड मिक्सचर्स ठीक है, एट पेंट्स, वार्निश एंड डिस्टेम्पर्स, पेंट वार्निशेस एंड डिस्टेम्पर्स ठीक है, एंड नाइन्थ वर्ड मिसलेनियस टॉपिक, नाइन्थ मिसलेनियस टॉपिक्स, अभी मैं सब बताऊंगा, टेंशन ना लो, नाइन्थ वन इज मिसलेनियस टॉपिक्स, कौन कौन से होते हैं हमारे, सिरेमिक्स, प्लास्टिक्स या प्लास्टिक ठीक है, फेरस मेटल, फ्लाई ऐश, अब सबसे ज्यादा ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देखो तो एक सेकंड, क्या आपने भी प्लास्टिक से क्वेश्चन नहीं देखा, क्या आपने भी फ्लाइट से क्वेश्चन नहीं देखा, क्या आपने मेटल से क्वेश्चन नहीं देखा, क्या आपने सिरेमिक से क्वेश्चन नहीं देखा, दिक्कत ये है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि बीएमसी में आप पहले पढ़ते हो तो आप बोलोगे सर सीमेंट पढ़ लेते हैं, कॉन्क्रीट पढ़ लेते हैं, ब्रिक्स भी पढ़ लेते हैं, टिम्बर भी और स्टोन्स पढ़ लेते हैं, आप अपनी कहानी बीएमसी में यहां खत्म कर लेते हो, आप अपनी कहानी इन चार पांच टॉपिक्स को कंप्लीट करके बोलते हो मेरा तो बीएमसी कंप्लीट हो गया, मैंने तो बीएमसी पढ़ लिया, बीएमसी पढ़ाना है, इसको नहीं बोलते हैं ना, आप लोग क्या करते हो, आप लोग थोड़ा बहुत सीमेंट पढ़ लेते हो, थोड़ा बहुत कॉन्क्रीट पढ़ लेते हो, ब्रिक्स पढ़ लेते हो, टिम्बर पढ़ लेते हो और स्टोन्स पढ़ लेते हो, अरे भैया ये रिमेनिंग लाइम एंड मोर्टार कौन पढ़ेगा, एग्रीगेट्स कौन पढ़ेगा, आप स्टोन्स पढ़ते हो, आप एग्रीगेट्स भी नहीं पढ़ते हो अच्छे से ठीक है, एडमिक्सचर्स कौन पढ़ेगा, पेंट वार्निशेस एंड डिस्टेम्पर्स कौन पढ़ेगा, सिरेमिक कौन पढ़ेगा, प्लास्टिक कौन पढ़ेगा, फेरस मेटल कौन पढ़ेगा, फ्लाइश कौन पढ़ेगा, अब ध्यान से देखना, वो जो 32 क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं ना मैं, वो इस जगह छूट जाएंगे आपसे, जितने भी 32 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर आप ये है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का टोटल टॉपिक, ये है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का टोटल सिलेबस, आप समझो मेरी बात, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का टोटल सिलेबस ये है, जब आप इन सबको कवर कर जाओगे ना तब जाके आप टोटल अपना क्वेश्चंस कवर कर पाओगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम्स में। अब एक चीज ध्यान से देखना, जो भी मैं आपको बता रहा हूं अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है, अगर मैं सबसे ज्यादा वेटेज की बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो कोई बात, देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है, देखो पहली बात तो मेरा पूरा पूरा फर्ज है कि मैं आपको एक से अच्छा पेन मिल गया मुझको, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोलूं, क्यों, क्योंकि मेरे को तो सब पढ़ाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो बोलता है जिसको छुड़वाना हो कुछ, है ना, जिसको लगता है कि भैया कौन इतना पढ़ाएगा, मिसलेनियस में एक टॉपिक और लिख लो आप ग्लास, एक टॉपिक और लिख लो ग्लास, ग्लास से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस, चाहे वो एसएसटी जेई हो, चाहे वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, इन सबको आपको पढ़ना है, कुछ ज्यादा डिफरेंस थोड़ी रह गया है, आजकल सब एग्जाम का लेवल टफ हो चुका है ना, सबका लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा आने लग गया है, तो आप अब कुछ नहीं बोल सकते हो, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये सब्जेक्ट आपके मजे लेके निकल जाएगा और चिढ़ाएगा, देखा मैं निकल गया, आप देखते रह जाओगे इसको, अरे यार तू तो निकल गया, वही बोलेगा हाँ भाई मैं निकल गया, तूने मुझे बहुत हल्के में ले लिया था, तूने मुझे बीएमसी आपसे बोलेगा तूने मुझे ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ा, तूने मुझे बहुत हल्के में लेके कि मैं तो एक लल्लू सा सब्जेक्ट हूं, तूने मुझे एक ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ा इसलिए मैं निकल गया, अगर आप ये सोचते हो ना मैं गारंटेड बोलता हूं
मुझे लास्ट ईयर के एसएससी जेई के क्वेश्चन किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में से सारे करके दिखाओ, सारे करके दिखाओ कि भैया सर को ये देखो ये क्वेश्चन इस बुक से, ये क्वेश्चन इस बुक से, नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी बुक्स मेरे पास है ना, लिटरली बुक्स का खजाना है मेरे पास, मेरे पास बहुत बुक्स हैं, मेरे पास 15-16 तो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, 15-16 ऑब्जेक्टिव बुक्स तो किसी के पास नहीं होती, मेरे पास तो है 15-16 ऑब्जेक्टिव बुक्स तो मेरे पास रखी हुई है, है ना, लेटेस्ट पैटर्न की जो राइटर्स आपने सुने हुए भी नहीं होते ना, उन राइटर्स की बुक मेरे पास रखी हुई है, उन सबको देखा मैंने, उन सबको देखा मैंने कि यार ये क्वेश्चन किस किताब से आया है, आप समझ रहे हो मेरी बात, मैंने सबको देखा, क्यों भाई साहब कीड़ा है दिमाग में, जब तक मिलेगा नहीं कि कौन सी किताब परफेक्ट बैठी है, तब तक मैं जैसे जिस दिन पेपर हुआ था ना, मैं सारी बुक्स खोल के बैठा रहा, पहले एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ पहले का पैटर्न क्या रहता था, बुक्स आ जाती थी, बुक से पेपर बन जाता था, अब नहीं बन रहा है, अब बुक्स से पेपर नहीं बन रहा है, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ी जो कि फेमस फेमस बुक्स हैं, नाम तो किसी का नहीं लूंगा, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, मैं आपको चीज बताता हूं, आपका एक डाउट हो सकता है, तो क्या सर ऑब्जेक्टिव बुक नहीं पढ़े, नहीं आपको पढ़नी है ऑब्जेक्टिव बुक्स, आपको बिल्कुल पढ़नी है, तो फिर क्यों सर इतनी देर से तमाशा कर रहे हो, क्योंकि ओनली ऑब्जेक्टिव बुक से काम नहीं चलेगा, ऑब्जेक्टिव बुक आपकी अगर 30 क्वेश्चन भी आए तो वो आपके 14 से चलो 15 मार्क्स लेता हूं मैं, चलो वो आपकी 15 चलो छोड़ो मैं 20 मार्क्स ले लेता हूं, कि ऑब्जेक्टिव बुक आपकी 20 मार्क्स तक भी हेल्प कर देगी, मैं बिल्कुल बोलता हूं ऑब्जेक्टिव बुक्स आपकी 20 मार्क्स तक हेल्प कर देगी, मैं नहीं बोलूंगा कि ऑब्जेक्टिव बुक से कुछ नहीं आता, आता है ऑब्जेक्टिव बुक्स, पहली बात तो मैं ऑब्जेक्टिव बुक नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑब्जेक्टिव बुक्स बोल रहा हूं, पहली बात तो मैंने ऑब्जेक्टिव बुक नहीं बोला है, मैंने ऑब्जेक्टिव बुक्स बोला है, बहुत सारी बुक्स करोगे तो उसमें 30 में से 20 मार्क्स आप लिया होगे, बट मैं गारंटेड बोलता हूं जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन होंगे ना, ये रिमेनिंग में लास्ट ईयर की कहानी बता रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे बीएमसी के क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ऐसे बीएमसी क्वेश्चन आए हैं, किसी किताब कोई बोलते अरे यार इसमें से बैठा है, अरे ला के दिखाओ कि देखो इतने क्वेश्चन आए थे, ये रहा इस किताब का क्वेश्चन, ये रहा इस किताब, नहीं सब आपकी कोर्स बुक के थ्योरी में से आए थे, जो भी आपने अपनी सब्जेक्ट की कोर्स बुक पढ़ी है, दैट मींस अगर आप कॉन्क्रीट के एक्सपेरिमेंट देख रहे हो, अगर आप कॉन्क्रीट का एक्सपेरिमेंट देख रहे हो, आप समझ रहे हो मेरी बात, आपने अलग अलग कॉन्क्रीट के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, स्लम कोन टेस्ट होता है, ठीक है, तो ओनली ये नहीं कि स्लम कोन टेस्ट क्या देखने के लिए काम आता है, वर्केबल है या नहीं है, वो आपसे उस एक्सपेरिमेंट से कुछ भी पूछ सकता है, उसका पूरा हक है, वो उस एक्सपेरिमेंट, ये नहीं कि यार कितनी डायमीटर होती है स्लम कोन की, 10 mm, 20 mm, 30 mm, गए जमाने से क्वेश्चंस के, वो कुछ भी पूछ लेगा आपसे, वो एक्सपेरिमेंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़ो, मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूं, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कराएगी, बट आजकल कट ऑफ कितनी आ रही है आपको पता है, कितनी हाई कट ऑफ जा रही है आजकल, कितनी कम सीट्स निकल रही है, कितनी कट ऑफ ज्यादा हाई जा रही है, तो उस हाई कट ऑफ में हमारे पास ये मौका नहीं होता कि जो 10 क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आए, जो ऑब्जेक्टिव बुक से फॉलो नहीं हो रहे हैं, उन 10 क्वेश्चन को आप छोड़ कर आ जाओ, 10 क्वेश्चन में अगर मान लो एसएससी जेई में आपके 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, तो आपके मार्क्स तो ऊपर से नीचे, आपकी रैंक तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पहुंच जाएंगे, जिन लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए उनकी रैंक ऊपर आ जाएगी, जिन लोगों ने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए उनकी रैंक नीचे आ जाएगी, तो आपके पास मौका होता ही नहीं है, आपके पास मौका होता ही नहीं है कि आप इन 10 क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाओ, आप छोड़ ही नहीं सकते उन 10 क्वेश्चन को। अब आप बोलोगे सर ये 10 क्वेश्चन हम कहां से पढ़ेंगे, तो मैं बोलूंगा हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक थ्योरी, हर एक डिटेल लाइन टू लाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लाइन टू लाइन मैं आपको हर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है, उस एक्सपेरिमेंट में जो जो मैं आपसे बोलूंगा मैं अंडरलाइन करूंगा, वो आपको हर एक चीज, ऐसा नहीं स्लम कोन हो गया कि स्लम कोन तो यार 10 mm, 20 mm, 30 mm, टेम्पर रोड की डायमीटर ले ली, टेम्पर रोड की लेंथ ले ली, गए जमाने स्लम कोन इसलिए होता है वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए, देखते हैं कितना कॉन्क्रीट वर्केबल है ना, अभी वर्केबिलिटी मैं आपको बताऊंगा, गए जमाने, मैं इतनी एनर्जी लगाकर बोल रहा हूं तो मुझे मजा नहीं आ रहा है ना,
अगर मैंने आपको करंट सिनारियो नहीं दिखाया बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का कि बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में चल क्या रहा है आजकल, तो क्या मैं आपको पुराने जमाने में ले जाऊं कि हाँ यार चलो बुक्स पढ़ लेना हो जाएगा? अरे होता था, एक टाइम ऐसा टाइम था जब बुक्स हम लोग पढ़ते थे और बुक्स से क्वेश्चन आता था, अब नहीं है। तो टाइम के साथ तो इंसान को चेंज होना पड़ता है ना, आपको भी चेंज होना पड़ेगा। मेरी देखो मुझे मजा आ रहा है क्या, मुझे मजा आ रहा है कि मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ चलो तुम तो लाइन टू लाइन पढ़ो। अरे मैं खुद उस चीज के फेवर में था कि आप अपना आराम से यार बुक्स पढ़ो, हो जाए सिलेक्शन, है ना। बुक्स हम देखो, मैं हमेशा स्मार्ट वर्क पे बिलीव करता हूँ, हमेशा स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क करोगे तो अच्छा है, स्मार्ट वर्क में आप अपना रिविजन ज्यादा बार कर सकते हो, है ना। मैं तो खुद आपको बोलूंगा यार स्मार्ट वर्क करो, जबरदस्ती थ्योरी मत पढ़ो। बट क्या करूं, इन 10 से 15 क्वेश्चन के लिए जो अजीब से आएंगे वो ऑब्जेक्टिव बुक्स में से मैच नहीं करेंगे। उसके लिए आपको बोलते ना बीएमसी कंठस्थ याद होनी चाहिए। कंठस्थ मतलब याद होनी चाहिए कि यार हर एक एक्सपेरिमेंट, भरोसा रखो मैं आपको हर एक एक्सपेरिमेंट ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक एक्सपेरिमेंट याद रहेगा, आप कुछ नहीं बोलोगे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, हर एक चीज याद रहेगी। और ट्रस्ट मी उस एक्सपेरिमेंट या जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मैं ओनली एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं लूंगा, या जितना भी हम डीपली पढ़ेंगे, आप लोग प्लास्टिक्स कभी पढ़ते ही नहीं हो, आप फेरस मेटल्स कभी पढ़ते ही नहीं हो, आप फ्लाई ऐश कभी पढ़ते ही नहीं हो, आप ग्लास कभी पढ़ते ही नहीं हो। इनमें से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ रहे थे फिर बोलते सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। अरे सिलेबस तो ये है जो बोलते हैं एग्जैक्ट सिलेबस तो ये है। आप बोलते हैं नहीं सर मजा ही नहीं आया, ऐसा नहीं होता है ना यार। देखो मैं बस इतना बोलता हूँ कि अगर मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहा हूँ तो इसमें मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। मैं बस ये आपको बताना चाहता हूँ कि यार अभी जाग जाओ, कल को एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, कल को एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद जागने से यार बहुत देरी हो जाएगी। अभी आपके एग्जाम में टाइम है, अभी आप आराम से अपने आप को जागरूक कर सकते हो, अपने आप का अपना टीचिंग लेवल आप चेंज कर सकते हो। तो उस टीचिंग लेवल को यार आप चेंज करो, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि मैं लिटरली मैं जानता हूं आप लोग पढ़ रहे हो, आप 8 से 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, आप 6 से 8 घंटे भी पढ़ रहे हो, बट उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। एक चैप्टर में अगर मैं एक महीना तक पढ़ता रहूं, एक काम करता हूं, आपने अगर टिम्बर पढ़ लिया, आपने अगर टिम्बर पढ़ लिया और टिम्बर में आपने क्या करा, इसको एक टिम्बर को 2 मंथ तक पढ़ो 8 घंटे के लिए, आप टिम्बर यूनिट को 2 महीने तक पढ़ो 8 घंटे के लिए, तो पापा से क्या बोलोगे, पापा देखो पूरे 2 महीने पढ़ा था 8-8 घंटे, पापा देखो पूरे 2 महीने पढ़ा था 8-8 घंटे सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे दोस्तों ये क्या स्मार्ट वर्क होता है, बुक खोल के अगर आप डेली 2 घंटे टिम्बर खोल के बैठे हो तो क्या हो जाएगा सिलेक्शन, आप सोच के देखो क्या हो जाएगा। दैट मीन्स आप देख लो आपने क्या करा, मैंने तो पढ़ाई करी है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तो पढ़ाई करी है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, उनको ध्यान ही नहीं होता है कि मुझे पढ़ना है क्या है एग्जाम के अकॉर्डिंग। अरे एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, आप एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ ही रहे हो। मैं तो पढ़ लिया, मैं तो भाई सब दिन में तो 10-10 घंटे पढ़ लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत गंदा एग्जाम्पल दिया मैंने, टिम्बर 2 महीने कोई नहीं पढ़ता है इसलिए सॉरी, ठीक है। बट आप इमेजिन तो करके देखो, मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि यार आप लोग स्मार्टली नहीं पढ़ रहे हो, आप स्मार्टली नहीं पढ़ रहे हो। इस स्टूडेंट ने, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टिम्बर को 2 महीने पढ़े 8-8 घंटे, तो वो क्या बोलेगा, मैंने यार 2 महीने तक है ना 8-8 घंटे पढ़ाई करी थी, तो क्या मैं इसको स्मार्ट वर्क बोलूं? तुम्हारे घंटे डिपेंड नहीं करते हैं तुमने कितने घंटे पढ़े, तुम्हारा सिलेबस डिपेंड करता है तुमने कितने सिलेबस कितने लेवल तक कवर कर लिया है, आपने कितना सिलेबस कितने लेवल तक कवर करा है यार वो मैटर करता है। और मैं आपको बता रहा हूं बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, और इवन यार बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन छोड़ो, अब क्वेश्चन सब्जेक्ट के बीच में आने लग गए हैं, अब क्वेश्चन सब्जेक्ट के बीच में आने लग गए हैं, अब गए वो जमाने जब ऑब्जेक्टिव किताबें फॉलो होती थी और उस पर से क्वेश्चन आ जाते। हाँ अगर आप बोलोगे तो सर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेकार है, नहीं ऑब्जेक्टिव बुक्स अच्छी है, बट आप जितनी भी ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़ लो, आप जितनी भी ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़ लो 60% to 70% यहाँ पर कवर करवा देगा, 60% to 70% यहाँ पर कवर करवा देगा। देखो यहां से देखो, आप अच्छी अच्छी फेमस ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अच्छी अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक्स आप पढ़ लो, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल पढ़ो, है ना, आपका 70% पेपर बैठ जाएगा ऑब्जेक्टिव बुक में से, 70% आपका बैठ जाएगा। इस 70% में से क्या आप बोलते हो कि मैं 100% अपीयर करके आ जाऊंगा, 100% करेक्ट करके आ जाऊंगा,
और क्या गारंटी लेते हो कि आपने जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़ी उनका हर एक क्वेश्चन आप याद रख लोगे? नहीं। पहली बात तो इनसे 70% से आज भी बैठेगा, मैं यही बोलता कि नहीं बैठेगा, बैठेगा आज ही बैठेगा, बट आजकल सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 90% सिलेबस पता होना चाहिए, 90% सिलेबस के आंसर आपको याद होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव बुक हमारे लिए कंपलसरी है, हमें ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है, क्योंकि 100% में से 70% तो आपका ऑब्जेक्टिव बुक ही देगा, और रिमेनिंग 30% के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डीप नॉलेज। इस रिमेनिंग 30% के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी, जो आपकी हर एक टॉपिक को बहुत डेप्थ तक जाकर पढ़ेंगे हम लोग। मैं भरोसा करूं, मैं एक एक एक्सपेरिमेंट में 1.5 घंटा निकालने वाला हूं, इतने बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना इसके, और मैं बिल्कुल काम चोरी नहीं करूंगा। 50 घंटे लग जाए मुझे कॉन्क्रीट बनाने में, अगर मुझे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराने पड़ेंगे तो मैं कराऊंगा, जितना टाइम उसमें लगेगा वो लगेगा, उसमें मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगा एक भी उसका एक्सपेरिमेंट, मुझे पता है ना कॉन्क्रीट के एक्सपेरिमेंट से आपका आ जाएगा। हाँ, लास्ट में बोलूंगा कि ये दोनों यूनिट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, सिलेबस लिखो। और अब मैं चालू कर रहा हूं आपके सामने अपनी नई यूनिट जिसका नाम है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। हम बीएमसी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। इस पूरे सिलेबस को लिखो, ठीक है? तो यार ये सिलेबस तो आपने देख लिया होगा, अब हम अपना चालू करते हैं यूनिट, ठीक है? इसको मिटा देता हूं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, बीएमसी आपका ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली पढ़ लोगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ इसको जितना इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ मैं बना दूंगा, ठीक है? बट आपको ये सब्जेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके हम अपने धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और ऐसे मैं सोच रहा कि दूसरे सब्जेक्ट सब हो जाएगा आपको, आप टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है? अब जो सबसे पहली यूनिट मैं इसकी लूंगा वो लूंगा मैं इसकी सबसे लेंथी यूनिट। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस सब्जेक्ट की सबसे लेंथी यूनिट कौन सी है, तो इस सब्जेक्ट की दो यूनिट बहुत लेंथी है। ऐसे देखो यूनिट्स तो इसकी सारी लेंथी है, छोटी नहीं है, ठीक है? जैसे टिम्बर भी हो गया तो वो भी लेंथी है, सीमेंट हो गया तो वो भी लेंथी है। बट अगर मैं आपसे बात करूं तो एक सब्जेक्ट ऐसा आता है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसका नाम क्या है? कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला आपका यूनिट, ये मैं बीएमसी में इंक्लूड करते हुए चलता हूं, आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी ले किसमें, अलग से कोई सब्जेक्ट है, या फिर आपका बीएमसी के साथ इसको कंसीडर करें, या फिर इसको आरसीबी के साथ कंसीडर करें। हम इसको बीएमसी के साथ कंसीडर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। ये मत सोचना कि कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आपकी इजी यूनिट है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आपकी बहुत ही अच्छी एक यूनिट है, ठीक है? अब अगर मैं कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में चालू करूंगा बात, तो सिंपल सी बात है भैया, सबसे पहले कॉन्क्रीट के बारे में पूछूंगा, सबसे पहले मैं किसके बारे में पूछूंगा, सबसे पहले मैं कॉन्क्रीट के बारे में पूछूंगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली बात, कॉन्क्रीट होता क्या है, अभी मैं सब बताऊंगा आपको, मैंने आपको आरसी से भी बताया था, अभी तो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। ये मैं सोच रहा हूं कि सर आप इस बार हिस्ट्री से स्टार्ट नहीं कर रहे, हिस्ट्री में थोड़ी आगे लेके आऊंगा, थोड़ी सी मुझे एक बार आप कॉन्क्रीट को स्टार्ट कर दो, कॉन्क्रीट होता क्या है, इसके बारे में इसके आगे के लेक्चर चलेंगे, कब कॉन्क्रीट बना था, सीरिया में था 6500 BC में सबसे पहले सीरिया में यूज हुआ था, फिर इजिप्शियंस ने इसको यूज करा, वो मैं सब बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो, किसने इसको इन्वेंट करा था, क्या करा था, वो सब बताऊंगा, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं कॉन्क्रीट के बारे में सब। बट पहले ये जानेंगे यार कॉन्क्रीट होता क्या है। देखो सिंपल सी बात यह है, किसी भी चीज के बारे में पढ़ने से पहले आपको वो चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज कॉन्क्रीट? इट इज एन इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, या इट इज एन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इट इज एन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या है कॉन्क्रीट? नहीं पता। कौन है कॉन्क्रीट? नहीं पता। इसके पापा का नाम? नहीं पता। सब पता लगेगा धीरे धीरे। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉन्क्रीट, तो आप बोलोगे सर कॉन्क्रीट एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, हम सिविल इंजीनियर से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और उस कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं सर मैं इस
कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज लूंगा जिसका नाम क्या है कंक्रीट, जिसका नाम क्या है कंक्रीट। तो कभी भी आपसे सबसे पहले पूछे व्हाट इज कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, सिंपल सी बात है चीजों को बनाना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट, तो कहीं ना कहीं हमारा कंक्रीट क्या, कंस्ट्रक्शन मटेरियल विच इज कंपोज ऑफ। अब कॉन्क्रीट बनता किससे, अब आपसे कोई पूछे कॉन्क्रीट बनता किससे, कॉन्क्रीट में आप क्या क्या यूज करते हो, तो आप बोलोगे कॉन्क्रीट को बनाने के लिए हम मेजर तीन चीजें यूज करते हैं, क्या क्या, सीमेंट, सैंड, प्लस इसको हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। अभी मैं सब बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। सीमेंट प्लस सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट, अभी सब बताऊंगा, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। सिंपल सी बात ये है, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। क्या आपने कभी भी सोचा है कंक्रीट में क्यों सैंड डालते हैं, क्या आपने कभी भी सोचा कंक्रीट में सैंड क्यों डालते हैं, क्या आपने कभी भी ये सोचा कंक्रीट में एग्रीगेट क्यों डालते हैं, सोचिए। देखा आपने, देखा कि कंक्रीट में क्यों ये दो चीजें डाली गई, सैंड और सीमेंट, क्यों कंक्रीट को ओनली सीमेंट से नहीं बना लिया गया, क्यों कंक्रीट को ओनली सीमेंट से नहीं बना लिया गया, इस सारे आंसर्स में दूंगा। क्यों कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग में सैंड और एग्रीगेट, और एग्रीगेट कौन सा, कोर्स एग्रीगेट, एंड व्हाट इज एग्रीगेट, क्रस्ट। एंड अब चलो मैं बताता हूं, सबसे पहली बार मैंने आपसे बोला सीमेंट, फिर मैंने आपसे बोला सैंड, फिर मैंने आपसे बोला एग्रीगेट। तो सबसे पहले सैंड के नीचे मैंने लिखा हुआ है फाइन एग्रीगेट, और दूसरा जो एग्रीगेट है वो कौन सा होता है, मेरा कोर्स एग्रीगेट। तो याद रखना, हम अपने बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं उसमें हमने मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक होते फाइन मटेरियल, एक होते कोर्स मटेरियल। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे, ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने सैंड को क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स एक साथ खींचाऊंगा, ठीक है। सैंड को मैंने क्या बोला है, फाइन एग्रीगेट। और सबसे पहले कोई आपसे पूछे एग्रीगेट होता है टूटे हुए पत्थर, टूटी हुई रॉक, व्हाट इज एग्रीगेट, टूटे हुए पत्थर, टूटी हुई रॉक। सैंड होती है वो तो आपकी रॉक से बनेगी, ठीक है। आप जो ना मिट्टियां जो भी होती है वो सब रॉक से बनती है, ठीक है। तो सैंड भी कहीं ना कहीं आपके रॉक से ही तो बनेगी, ऐसा तो नहीं है भाई कहीं आसमान से गिर रही है आपकी, चाहे हमारी कोई भी सोयल हो, सब आपकी रॉक से ही बनती है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स या जो भी उसके प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब एक चीज ऐसे देखना, मैंने आपसे बोला सैंड को मैं फाइन एग्रीगेट बोलता हूं, और दूसरा मेरा होता है कोर्स एग्रीगेट, या फिर आप फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को एक साथ लिख लो, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। सर ये दोनों क्या चीज है, आपने ये तो बता दिया कि ये दोनों रॉक से बनती है, बट फिर आपने इसको डिफरेंशिएट क्यों कर दिया, वो मैंने इसलिए कर दिया। अगर आप यहां से देखो तो हमने अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ, एक तो होता है फाइन, एक होता है कोर्स। और ये हम किससे डिसाइड करते हैं, हमारे पास कुछ छन्नियां होती है, व्हाट इज छन्नियां, जिससे हम लोग आटा छानते हैं, जिससे हम लोग क्या छानते हैं, आटा छानते हैं, क्या छानते हैं, आटा छानते हैं। और इन छन्नियों को कुछ इस तरीके से होती है आपकी, ये देखो यहां से, क्या छन्नियां ऐसी तो होती है, इन छन्नियों को हम क्या बोलते हैं, सीव्स। इन छन्नियों को हम क्या बोलते हैं, सीव्स। इन छन्नियों को हम कौन बोलते, क्या बोलते हैं, सीव्स। और ये छन्नियां कौन बनाता है, भाई इंडिया में सारी चीजें फिक्स हैं कि आप कुछ मटेरियल को तो फाइन बोलोगे, कुछ को तो आप कोर्स बोलोगे, तो किन छन्नियों के बेस पर आप ये जिसको हम सीव्स बोलते हैं, अब ये सीव्स बनाता कौन है, ये सीव्स फिक्स कौन करता है, ये सीव्स फिक्स करता है बी आई एस। आप ध्यान से देखना, आपकी लैब्स में जितनी भी सीव्स हैं, अब छन्नी छन्नी में बार बार नहीं बोलूंगा, आपकी लैब्स में अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या आप कॉलेज से पास आउट हो, तो आपने देखा होगा कि हर एक छन्नी के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, हर एक छन्नी के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, बी आई एस सीव नंबर। क्या लिखा हुआ होता है, बी आई एस सीव नंबर, बी आई एस सीव नंबर। तो क्या होता है, हमारी एक सीव होती है, उस सीव से हम डिसाइड करते हैं, हमारी एक सीव होती है, देखो ये आपको ओपनिंग दिख रही है, ये आपको ओपनिंग, इस ओपनिंग की साइज होती है, वो ये जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग की साइज होती है। अब ध्यान से देखना, जितनी भी छन्नियां लिखी रहती है साइज, वो साइज की ओपनिंग को दर्शाता है, इसको दर्शाता है इन ओपनिंग्स को, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, बाय डायमीटर, अभी सब बताऊंगा मैंने क्या बोला, देखते जाओ।
तो मैंने आपसे बोला कि भाई जितनी भी हम अपने इंजीनियरिंग मटेरियल्स को फाइन और कोर्स में डिवाइड कर देते हैं, आप एक चीज याद रखना, जो आपके सॉइल मैकेनिक्स में सैंड होती है वो कोर्स सॉइल होती है। आपके सॉइल मैकेनिक्स में सैंड को कोर्स सॉइल माना गया, सिल्ट और क्ले को फाइन सॉइल माना गया है। तो उस चीज को ध्यान रखना, मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ, वहीं पर आपकी जो सैंड है वो आपकी कोर्स सॉइल में रखी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो अगर मैं सीव्स की बात करूं तो BIS सीव नंबर, मैंने आपसे क्या बोला जितनी भी छन्नियां कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करी गई है उन सबका नंबर मेंशन कर दिया गया है, और BIS सीव नंबर 4 से आप डिसाइड करते हो, BIS नंबर 4 से आप डिसाइड करते हो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी छन्नी से आप डिसाइड करते हो। और पहली बात BIS क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन छन्नियों को डेजिग्नेट करता है, इनकी कैटेगरी को डिवाइड करता है। जिस भी छन्नी के आगे BIS लिखा हुआ हो तो वो ब्रिटिश मत समझ लेना कि ब्रिटिश होगा, नहीं, वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जिसने एक छन्नी का नाम दे रखा छन्नी नंबर 4 और इसकी साइज क्या होती है 4.75 mm, इस छन्नी की साइज क्या होती है 4.75 mm। अब ध्यान से रखना, फाइन एग्रीगेट कौन से होते हैं, फाइन एग्रीगेट वो होते हैं जो इस सीव नंबर फोर पर रिटेन हो जाते हैं, सीव नंबर फोर से पास हो जाते हैं। दैट मीन्स फाइन एग्रीगेट आप इसको बोलोगे, देखो मेरा आपसे क्या बोला, ये जो ओपनिंग होती है और पार्टिकल्स की जो साइज होती है ना वो हमेशा डायमीटर ली जाती है, पार्टिकल साइज हमेशा क्या ली जाती है, पार्टिकल्स की डायमीटर, ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो भाई, इस ओपनिंग की साइज क्या 4.75, जितनी भी ओपनिंग से सबकी साइज है 4.75। अब मान लो 4.75 से छोटा कितना होता है 2 mm, 1 mm, और माइक्रो जो माइक्रोन्स होते हैं उसमें मतलब 4.75 mm से जितने भी छोटे हैं। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखना, अगर ये 4.75 की और मान लो कोई 1 mm का आया तो वो इससे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और मान लो कोई 5 mm का आया, इस ओपनिंग की साइज कितनी है 4.75 mm, और मान लो मैं आपसे बोलता हूँ 5 mm का कोई आपके पास पार्टिकल है तो वो पार्टिकल इससे पास हो जाएगा, बोलोगे नहीं सर, छन्नी में से 1 mm का, 2 mm का, 3 mm का, 4 mm का, 4.75 mm तक जो भी पास हो गया, जो भी छन गया, वो तो हो गया आपका फाइन एग्रीगेट। और आपकी सैंड की साइज क्या होती है 0.075 mm से लेके 4.75 mm, 0.075 से लेके 4.75 mm। इसलिए सैंड को हमने क्या बोला, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, भाई सीव नंबर 4 4.75 mm की साइज है और इस छन्नी से जितना भी मटेरियल पास हो रहा है आपका उस सब को फाइन मान लो, और इस पर इस सीव पर जितने भी रिटेन हो रहे हैं, रिटेन मतलब रुक जा रहे हैं, पास नहीं हो रहे, उनको आप क्या बोल दो, कोर्स एग्रीगेट, उनको आप क्या बोल दो, कोर्स एग्रीगेट। और एग्रीगेट को हिंदी में क्या बोला जाता है, रोड़ी, क्या बोला जाता है, रोड़ी, ठीक है। ये होती है पतली रोड़ी और ये होती है मोटी रोड़ी, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब और भी वर्ड्स है इसमें, इसको गिट्टियां भी बोला जाता है, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग वर्ड्स है, रोड़ी बोल लिया, गिट्टियां बोल लिया, अलग स्टेट में अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, मैंने आपको है ना शुरुआत में चीज और बोली थी, देखो कंफ्यूज मत होना, मैं एक साथ बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपसे क्या बोला कि क्यों कंक्रीट में आप सैंड और एग्रीगेटिव मिलाते हो, ये चीज अभी दिमाग में आपको रखनी है कि सर आपने बोला था कि ये ना कंक्रीट में सैंड और एग्रीगेट ही मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, अभी आपने नहीं बताया, मैं आपको बताऊंगा। इस चीज को ध्यान रखना, देखो ये आप लिख लो कि भाई इस छन्नी से जो भी पास हो जाएगा उसको हम फाइन एग्रीगेट बोलेंगे, इस छन्नी पर जो भी रुक जाएगा उसको हम कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे। इसको अब मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखते हैं, आप पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है, आप पॉज करके इसको लिख लो। अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये सैंड और एग्रीगेट बनते किससे, कोर्स एग्रीगेट हो गया चाहे सैंड होगी, है ना, ये बनते किससे, रॉक से, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मली कोई कंक्रीट हुआ, तो मैंने क्या बोला, कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर, अब एक चीज ध्यान से देखना, देखो आप बोलोगे सर अभी तो आपने सीमेंट से एग्रीगेट होता था, हम जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
फाइंड करते हैं या कॉन्क्रीट को एक प्रोपोर्शन में लिखते हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट को, उसमें वाटर मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए मैंने वाटर नहीं लिखा। बट हाँ, कोई आपसे पूछे कॉन्क्रीट में क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे सीमेंट होती है, सैंड होती है, एग्रीगेट होती है, वाटर होती है और एयर भी होती है। मेजर कॉन्क्रीट में आपको ये पांच चीजें मिलेगी, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एंड एयर। अब आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है, इस सब में कंक्रीट के अंदर मैंने आपको बोल दिया ये सब चीजें होती है, क्यों होती है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, सीमेंट क्यों होता है, सैंड क्यों होता है, एग्रीगेट क्यों होता है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। एक चीज ध्यान से सुनना, फर्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं कंक्रीट में एग्रीगेट कितना होता है, कंक्रीट में एग्रीगेट जिसको मोटी रोड़ी बोलती है बोलते हैं सबसे ज्यादा होता है। नॉर्मली अगर आप बुक्स में देखोगे तो ये आपका लिखा हुआ रहता है 60% से 75%, इस 60 को मत लिखना, यहां पर आप लिखो 55% से 75%, 50 से 55। जो कंक्रीट होता है उसमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है वो किसका होता है, एग्रीगेट का, क्यों होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे सैंड या सीमेंट कितना होता है, कोई आपसे पूछे सीमेंट कितना होता है, तो आप क्या बोल दोगे, 15% तक, 10% से 15% तक आप लिखो इसको। अगर आप सीमेंट कितना होता है, 10% से लेके 15% तक कंक्रीट हुआ। देखो अलग अलग ग्रेड्स होती है कंक्रीट की, वो मैं सब आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कंक्रीट होता क्यों है और कंक्रीट को हम क्यों यूज करते हैं। ये बताने में मुझे आधे घंटे ज्यादा लग जाएगा कि कंक्रीट होता क्या और कंक्रीट को हम यूज क्यों करते हैं, अभी आप देखते हैं ना। और कंक्रीट में हम सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट क्यों, हमने कंक्रीट को ओनली सीमेंट से नहीं बना लिया, आप सोचो ना क्यों हमने कंक्रीट को ओनली सीमेंट से नहीं बना लिया, और सीमेंट को या कंक्रीट को हम किस जगह यूज करते हैं, क्या हर जगह हम कंक्रीट को यूज कर सकते हैं, क्या हर जगह हम कंक्रीट को यूज नहीं कर सकते हैं, उस सब चीजों के जवाब आपको मिलेंगे थोड़े धीरे धीरे करके। मेरे पास आपके सारे जवाब क्वेश्चन के आंसर है, थोड़ा धीरे धीरे टाइम लेके चलेंगे। तो कोई आपसे पूछे कंक्रीट में कितना परसेंट एग्रीगेट होता है, तो बोलोगे सबसे ज्यादा कंक्रीट में जो होता है वो एग्रीगेट होता है 55 से 75%, सीमेंट होता है 10% से 15%। कोई आपसे पूछे भैया सैंड कितना होता है, कोई आपसे पूछे सैंड कितना होता है, आप क्या बोलोगे 16% से लेके या 15% से लेके 26% तक। कोई आपसे पूछे, ये एक नॉर्मल कंक्रीट के बारे में बताता हूं, ये प्रोपोर्शन चेंज होते रहते हैं है ना, बट फिर भी आप एक रफ आइडिया लेके चलो, कंक्रीट में एग्रीगेट कितना होता है 55% से 75%, सीमेंट कितना होता है 10% से 15%, सैंड कितना होता है 15% से 26%, वाटर कितना होता है आपका, वाटर कितना होता है 15% से 20%, वाटर कितना होता है आपका 15% से 20%। और कोई आपसे पूछे एयर कितनी होती है कंक्रीट में, एयर कितनी होती है 5% से 8%। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि कंक्रीट के अंदर कितनी एयर रह जाती है, और इस एयर को हम किससे रिमूव करने की कोशिश करते हैं, वाइब्रेशन से। अभी सब पता लगेगा, तो पहले तो अभी चीजें लिखो सारी की सारी, लिख लिया होगा ठीक है। अब ध्यान से देखना है, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है ठीक है। क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यों कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट ही ऐड करा जाता है, सबसे पहली बात इसमें मिटा देता हूं, ये इस एन लिखा होता है एन काट देना है, कंक्रीट इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये लिख देना है एन काट देना ठीक है। अब ध्यान से देखना, मार्केट चिपक जाता है यार, क्या बात है, देखो यार साफ ही रहना चाहिए, कंक्रीट में मैंने आपसे क्या बोला सीमेंट ऐड होता है, सैंड ऐड होता है। सबसे पहली बात, क्यों कंक्रीट को ओनली सीमेंट नहीं बना लिया गया, अगर मैं आपसे बोलूं कंक्रीट में सब सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है, इन सबको जोड़ने वाला कौन है, सबको साथ में रखने वाला कौन है, तो वो कौन है सीमेंट, सीमेंट क्या आपका बाइंडिंग मटेरियल, और ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, टू स्टार क्वेश्चन है ये,
कि कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होता है, ये पता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग सैंड समझते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं। कंक्रीट में जो सबको बांधने वाला वो कौन है, सीमेंट। तो याद रखना कि सीमेंट क्या है आपका, बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट कंक्रीट में स्ट्रेंथ के लिए यूज नहीं होता। सबसे पहली बात मैं आपको चीज बताता हूँ, कंक्रीट हमेशा कहां पर यूज होगा, अगर कोई मेंबर आपको डिजाइन करना है, कोई मेंबर आपको एक बिल्डिंग या कोई भी एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो और उस पर किसी मेंबर पर कंप्रेसिव फोर्स लगना होता है, उस पर किसी मेंबर पर कंप्रेसिव फोर्स लगना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, कंक्रीट। अभी मैं बताऊंगा क्यों कंक्रीट यूज करते हैं, क्यों हम वुड यूज नहीं करते, क्यों हम आपका स्टील यूज नहीं करते कंप्रेशन के लिए। मैं आपको सारे आंसर्स दूंगा धीरे धीरे करके। एक्चुअली कंक्रीट में बताने के लिए इतना कुछ है ना कि आप एकदम से मैं उसको एक साथ नहीं बता सकता हूँ, धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि सीमेंट में अगर कंक्रीट में अगर सीमेंट डालते हैं तो हम इसलिए डालते हैं ताकि सब एक दूसरे को जोड़ कर रखे। सीमेंट क्या होता है, आपका बाइंडिंग मटेरियल होता है। अब ध्यान से देखना, क्यों हम कंक्रीट को वाई कंक्रीट इज नॉट मेड ऑफ वाई कंक्रीट इज नॉट मेड ऑफ सीमेंट ओनली, क्यों सीमेंट के लिए आया था, Because, क्योंकि अगर आपने ओनली सीमेंट को यूज करा कंक्रीट के लिए, अगर आपने ओनली देखो सीमेंट आप एक काम करो, क्या सीमेंट आपने सीमेंट भाई सीमेंट घोल लिया, सीमेंट में पानी मिला लिया, सीमेंट को सुखा दिया, आपने सीमेंट घोल लिया, सीमेंट का पानी सुखा लिया, ठीक है, आप सिंपल सी बात है। तो क्या आप उसको कंप्रेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो, क्यों सीमेंट का भी आपने क्यूब छोटे छोटे सैंपल बनाए होंगे, सीमेंट के बन जाते हैं, सीमेंट सूख भी जाता है आपका, उस पर सैंड भी। चलो अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि सीमेंट जो होता है आप इसके साथ मोर्टार बना लो, और मोर्टार का मतलब क्या होता है, सीमेंट प्लस सैंड। देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है सीमेंट, एक होता है मोर्टार, सीमेंट प्लस सैंड को हम बोलते हैं मोर्टार, और एक होता है कंक्रीट, सीमेंट प्लस सैंड प्लस आपका एग्रीगेट। तो क्यों आपने सीमेंट से ही बना लिया, क्यों, क्योंकि अगर आपने ओनली सीमेंट से बना लिया, अगर आपने ओनली सीमेंट से बना लिया तो सीमेंट में क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि सीमेंट क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा नहीं कि सीमेंट कमजोर होता है, हाँ एग्रीगेट ऐड करने से कंक्रीट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, एग्रीगेट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बट फिर भी हम ओनली सीमेंट से क्यों बनाते हैं, क्योंकि सीमेंट में जब पानी मिक्स होता है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं सीमेंट के अंदर क्या होता है, बॉक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं, बॉक्स कंपाउंड। आपने देखा होगा अभी सीमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सीमेंट के सारे टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन मत लो। कंक्रीट थोड़ा पहले ले लिया मैंने, क्योंकि कंक्रीट एक बड़ी यूनिट है और बड़ी बड़ी यूनिट पहले हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आपका देखता हूँ कौन सा यूनिट लूंगा, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला जब सीमेंट को पानी के साथ मिला दिया जाता है, अगर सीमेंट को पानी के साथ मिला दिया जाता है, यार सुनना, अगर सीमेंट को पानी के साथ मिला जाता है तो पहली बात तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसमें हीट डेवलप होती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं जैसे ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको, सीमेंट में जब पानी मिलाते हैं तो सीमेंट के अंदर क्या फॉर्म होता है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, तो इस कारण क्या होता है, सीमेंट में से हीट निकलती है, बहुत ज्यादा क्या निकलती है, सीमेंट में से हीट निकलती है। अब अगर हीट निकलेगी तो आपको और ज्यादा वाटर ऐड करना पड़ेगा, अगर आपने सीमेंट यूज करा, सीमेंट पानी मिक्स करा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी, और जितना ज्यादा सीमेंट यूज करोगे मोर सीमेंट मींस मोर वाटर, जितना ज्यादा सीमेंट यूज करोगे उतनी ज्यादा हीट होगी, जितना ज्यादा सीमेंट यूज करोगे उतनी ज्यादा हीट होगी, और जितना ज्यादा पानी होगा उतनी स्ट्रेंथ आपको कम मिलेगी, क्यों, क्योंकि पानी क्या होता है, सिर्फ दो सीमेंट पार्टिकल के बीच में रह जाएगा, सीमेंट अलग अलग पार्टिकल से बना होता है, सीमेंट एक सॉलिड मास नहीं होता, जैसे आपका एग्रीगेट होता है वो एक सॉलिड मास होता है, उसके बीच में वॉइड्स नहीं होते हैं, ठीक है, बट सीमेंट क्या होता है, सीमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो सीमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो सीमेंट में आपको भाई ज्यादा सीमेंट लोगे तो ज्यादा पानी बनाना पड़ेगा, ज्यादा पानी बनाना पड़ेगा तो लेस स्ट्रेंथ रहेगी, क्यों, क्योंकि पानी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन की होगा तो आपको ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, हीट निकलती है। आप साफ सुथरी बात याद रखो कि सीमेंट में से हीट निकलती है, क्यों निकलती है वो मैं आपको सीमेंट यूनिट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने पानी आदम मिला दिया तो बहुत जगह पानी सीमेंट पार्टिकल के बीच में आ जाएगा, और उस कारण आपको अब पानी आ गया तो पानी कभी ना कभी तो उड़ेगा, पानी कभी ना कभी तो उड़ेगा, और पानी जब कभी ना कभी उड़ेगा तो सीमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, जब पानी कभी ना कभी उड़ेगा तो सीमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, श्रिंकेज, क्या आ जाएगा, सीमेंट श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीमेंट श्रिंक हो जाएगा। दो टाइप के ड्राइंग होते हैं,
वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक होता है प्लास्टिक, एक होता है, देखो सीमेंट में से दो टाइप का ड्राइंग होता है, एक तो उसकी सरफेस से पानी उड़ जाए, एक तो उसकी सरफेस से पानी उड़ जाए, और एक बार सीमेंट है तो इसके अंदर छोटी कैपिलरी बनी हुई होती है, मतलब देखो सीमेंट है, एक तो ऊपर से पानी उड़ जाए, ये उड़ गया, और एक इसके सीमेंट के अंदर भी तो पानी होगा, एक दूसरा पानी वो उड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सीमेंट में पानी उड़ेगा तो सीमेंट पार्टिकल में श्रिंक होगा, और सीमेंट के अंदर श्रिंक होगा तो सीमेंट में क्रैक्स आ जाएंगे, सीमेंट में क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा पानी यूज करोगे उतना ज्यादा गैप्स आ जाएंगे पार्टिकल के बीच में, और पार्टिकल के बीच में गैप आएगा, तो जब वो पानी उड़ जाएगा, जब वो पानी उड़ जाएगा तो सीमेंट आपका श्रिंक करेगा, श्रिंक करने से आपका सीमेंट में क्या हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसलिए हम कंक्रीट में, कंक्रीट को हम ओनली सीमेंट से नहीं बनाते, कोई आपसे पूछे क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, सीमेंट की वजह से आपका श्रिंकेज होता है, और श्रिंकेज की वजह से आपके क्या डेवलप हो जाएंगे, आपके क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या यूज करते हैं, अब हम इसमें यूज करते हैं, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया सीमेंट से ओनली हम क्यों नहीं बनाते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि कंक्रीट में, अब आपसे कोई पूछे कंक्रीट में क्या क्या होता है, सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है, और कोई आपसे पूछे इन तीनों में स्ट्रेंथ की है, मान लो मैंने आपसे बोला कि आप इस रूम को डिजाइन कर रहे हो, और इस रूम को डिजाइन करने के लिए जो भी छत है जिसको हम स्लैब बोलते हैं उससे कुछ ना कुछ लोड आएगा, सिंपल ही बात है, उससे कुछ ना कुछ क्या आएगा, लोड आएगा। तो कंक्रीट में जो मेनली इन तीनों में से स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, कंक्रीट में मेनली जो इन तीनों में से स्ट्रेंथ यूज होता है वो ओनली सीमेंट या सैंड नहीं होता है, मेजर पोर्शन जो स्ट्रेंथ यूज होता है वो कौन सा होता है, आपका कोर्स एग्रीगेट। देखो इस फाइन एग्रीगेट को तो मैं सैंड ही बोलूंगा, बार बार फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट बोले से फायदा नहीं है, फाइन एग्रीगेट मतलब आप समझ जाना मैं मिट्टी की बात कर रहा हूँ, सैंड की बात कर रहा हूँ, और कोर्स एग्रीगेट मतलब मैं मोटी रोड़ी की बात कर रहा हूँ, फाइन एग्रीगेट का मतलब मैं सैंड की बात कर रहा हूँ, और कोर्स एग्रीगेट का मतलब मैं रोड़ी की बात कर रहा हूँ, जो पत्थर जैसा क्रश छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं सबकी साइज भी बताऊंगा, आपको टेंशन मत लेना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई आपसे पूछे कि कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट में मेजर जो स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, व्हाट इज स्ट्रेंथ, जो फोर्स को झेलेगा वो कौन होता है, आपका कोर्स एग्रीगेट, एग्रीगेट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेंथ। अभी क्यों, इसको फटाफट लिख में पूरा मिटाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।